हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं फिज़िक्स चैप्टर 2 जो है मोशन। ओके, तो मोशन का चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं। मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होती है वो पढ़ेंगे, और रेस्ट और मोशन में रिलेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे इस वीडियो में। इंट्रोडक्शन कर लेंगे इसका मतलब, फिर अगली वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मोशन शुरू कर लेंगे। ओके, तो चलिए अब शुरू कर लेते हैं। ये देखो, ये सब टॉपिक्स हैं जिसमें से हमने रेस्ट एंड मोशन और रेस्ट एंड मोशन और रिलेटिव टर्म्स, बस यही करना है। ओके, इफ़ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट इधर रेस्ट और इन मोशन। फॉर एग्जाम्पल, योर हाउस, योर स्कूल, ट्रीज, इलेक्ट्रिक पोल्स, फर्नीचर इन योर हाउस, योर सिटी, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा आर इन रेस्ट। हम अपने आसपास देखें तो हमें कुछ चीज़ें ऐसे मिलेंगी जो उनसे रेस्ट में है और मोशन में है। रेस्ट में मतलब जौन सी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, जौन सी चीज़ें अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती उन्हें रेस्ट कहा जाता है। जैसे कि हमारा घर, ओके, रेलवे स्टेशन, फोटो फ्रेम, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे घर में, अलमीरा, टीवी, जौन सी उन जिनकी पोजीशन चेंज नहीं होती। ओके, अब ये देखो, बट पीपल वॉकिंग ऑन अ रोड, मूविंग व्हीकल्स, बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, फॉलिंग रेन ड्रॉप, इंसेक्ट कमिंग ऑन द फ्लोर, वाइब्रेटिंग लीव्स आर अ स्टेट इन, वो सभी मोशन के स्टेट में है बिकॉज देयर पोजिशन चेंजेस फ्रॉम द टाइम टू टाइम। इनकी पोजिशन टाइम टू टाइम चेंज होती है, ठीक है ना। सो अब इन दिस चैप्टर you will read about more about motion, types of motion and terms related to motion, okay? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट, अब अपने टॉपिक पर आ जाते हैं, रेस्ट एंड मोशन। अब रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एट द स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट पोजीशन जस्ट नॉट चेंज विद द टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। एक ऑब्जेक्ट को विश्राम की स्थिति में तब कहा जाता है जब वो अपनी जगह को समय और वातावरण के हिसाब से ना बदले। ओके, एग्जाम्पल, ब्लैक बोर्ड इन योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड लगा है, वो रेस्ट की स्टेट पे है, ठीक है, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, ठीक है। अ पिक्चर फिटेड ऑन द वॉल ऑफ योर रूम इज ऑल्सो द रेस्ट, जो सी पिक्चर आपके वॉल पे है वो भी रेस्ट हो गई बिकॉज उसकी पोजीशन इज फिक्स इन द रूम। द मार्केट इन योर नेबरहुड, कार पार्कड इन द गैरेज, अ गार्डन, अ टावर एंड अ टेम्पल, ये सभी रेस्ट की स्टेट में है बिकॉज इन सब की पोजीशन फिक्स होती है और ये टाइम के हिसाब से नहीं चेंज होते। ओके, तो आगे क्या है, एक मिनट। अब ये देखो, जैसे कोई मॉस्किटो है, कोई ट्रेन जा रही है, ठीक है, लड़की झूला ले रही है, कोई साइकिल जा रहा है, ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं, इन सब की चीज़ों की पोजीशन चेंज हो रही है, और जो सी चीज़ों की पोजीशन चेंज हो उन्हें स्टेट ऑफ मोशन में कहा जाता है। ओके, अ बॉय राइडिंग अ बाईसाइकिल, गर्ल स्विंगिंग इन अ स्विंग, हॉर्स और बुलॉक कार्ट मूविंग ऑन अ रोड, सब मोशन में है। अब ये देखो, आर एंड मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर इन मोशन, ठीक है, ये भी मोशन में कहा जाते हैं। फ्लो रिवर जो सा नदी में बह रहा होता है उसे भी स्टेट ऑफ मोशन में कहा गया। ओके, तो ये अगला टॉपिक है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, कैसे। इसके लिए मैं आपको अपने मुँह जुबानी एक्सप्लेन करता हूँ। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स मतलब उनमें एक रिलेशन होता है, एक मिनट, एक रिलेशन होता है रेस्ट और मोशन में। मान लो आप किसी गाड़ी में जा रहे हो और आपके साथ आपका फ्रेंड बैठा है, तो आपके फ्रेंड के हिसाब से आपकी स्थिति जो है वो रेस्ट के मोशन में हो गया कुछ, क्योंकि आप हिल नहीं रहोगे, आप हिल नहीं रहोगे ना, वहाँ स्ट्रेट बैठे होगे, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे होगे, इसीलिए आपके दोस्त के हिसाब से आप स्टे रेस्ट मोशन में। ओके, और लेकिन मान लो बाहर कोई एक इंसान खड़ा है, उसके लिए आप मोशन में होंगे, आप तुर रहे होंगे क्योंकि गाड़ी जो है मोशन में है, ठीक है ना। तो ये जो है ना, सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं ऑब्जर्वर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, मतलब देखने की कैसे किस नज़रिए से हम देखते हैं उस चीज़ ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैं एक बार ये सब कुछ पढ़ देता हूँ, आप एक बार रीडिंग लिख सकते हो।
ठीक है, एक बार मैं पढ़ देता हूँ। फॉर डिफाइनिंग द टर्म्स रेस्ट एंड मोशन वी नीड सम सराउंडिंग्स और रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट में बी इन पोजिशन ऑफ रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू वन रेफरेंस ऑब्जेक्ट एंड इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। सपोज यू आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, वैसे वो ही एग्जाम्पल हो गया ना जो तो मैंने आपको समझाया आप लोगों को। तो अब टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मोशन कर लेते हैं। अब ये देखो टाइप्स ऑफ मोशन हमारे इतने मोशंस हैं। देखो ट्रांसलेटरी मोशन, जिसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, सर्कुलर और कर्विलिनियर, सर्कुलर और रेक्टिलिनियर। कर्विलिनियर सर्कुलर एक पार्ट में आते हैं। ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, ऑस्किलेटरी, मल्टीपल मोशन, पीरियडिक मोशन, नॉन पीरियडिक मोशन, और एक और होता है मोशन यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। ओके, तो ट्रांसलेटरी मोशन हम बाद में करेंगे, बाकी के मोशन शुरू कर देते हैं। फ्रेंड दिस वीडियो में हम सिर्फ ये दो मोशन करेंगे, रोटेटरी और ऑस्किलेटरी। ओके, तो रोटेटरी मोशन में क्या होता है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस और फिक्स्ड पॉइंट विदाउट चेंजिंग इट्स पोजीशन ऑन द होल, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रोटेटरी मोशन। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो एक फिक्स्ड पॉइंट पे घूम ही जा रहा है, एक उनका पॉइंट है जिसके आरे द्वारे वो घूम ही जा रहे हैं, ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट हो उनका घूमने का, उससे क्या कहते हैं रोटेटरी मोशन। जैसे कि स्पिनिंग चरखा, चरखे का एक फिक्स पॉइंट होता है जिसके आरे द्वारे वो घूमता है। ओके, जैसे कि ये एक टॉप है जो अपने इधर ये पार्ट के आरे द्वारे घूम रहा है। ओके, मैडी गो राउंड है। ओके, ये सब मतलब एक फिक्स्ड पॉइंट पे रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब घूम ही जा रहे हैं, क्या फिक्स्ड पॉइंट है इनका। ओके, जैसे कि एक एक्सिस है उनकी, फिक्स्ड पॉइंट कह लो, फिक्स्ड एक्सिस कह लो, एक एक्सिस है इनकी जिनके आरे द्वारे ये घूम ही जा रहे हैं, ठीक है। ओके, जैसे रोलेट व्हील हो गया, स्पिनिंग चरखा हो गया, टॉप मूविंग अराउंड इट एक्सिस हो गई। ओके, ये सब एग्जांपल्स हैं इसके। ये देखो जैसे यहाँ भी लिखा है, ठीक है ना। समथिंग मोर देखो, इन रोटेटरी मोशन द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिस थ्रू पॉइंट लाइंग इन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, ठीक है। मान लो कोई पॉइंट है, जैसे कि एक पॉइंट के आले द्वाले ही वो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, ठीक है। लेकिन सर ये समथिंग मोर मैं आपको एक्चुअली अगली वीडियो में समझाऊंगा, क्योंकि क्या कहते हैं कि सर्कुलर मोशन हमने अभी किया नहीं है, जो हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो ये समथिंग मोर मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, केमिस्ट्री के पार्ट्स अगली वीडियो के पार्ट्स कुछ समय बाद आएंगे। ओके, तो ऑस्किलेटरी मोशन देख लो, If an object moves to and fro about its mean position, then an object said to be in oscillatory motion. Okay? मान लो एक पींग है, ओके, आप पींग ले रहे हो, पींग सबसे पहले आगे आएगी फिर पीछे जाएगी, ये है ना पींग पे, ये है मान लो इस पॉइंट पे आप पींग पे बैठे हो, ओके, पींग सबसे पहले आगे जाएगी फिर पीछे जाएगी, पहले आगे जाएगी फिर यहाँ एक अपनी मीन पोजिशन पर आएगी, ठीक है, फिर पीछे जाएगी, पीछे से अपनी मेन पोजीशन पे आएगी फिर आगे आएगी, ठीक है ना, उसे ऑस्किलेटरी मोशन कहते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट आगे पीछे, आगे से अपनी ओरिजिनल स्थिति फिर पीछे, आगे आए फिर अपनी ओरिजिनल स्थिति फिर पीछे, पीछे से ओरिजिनल स्थिति पर आएगी और फिर आगे आएगी, मतलब मूव फ्रॉम मेन पोजीशन लेफ्ट। मान लो कोई पेंडुलम है, घड़ी के नीचे पेंडुलम होता है, वो सबसे पहले लेफ्ट जाएगा फिर अपनी मीन पोजीशन पे आएगा फिर राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा मीन पोजीशन पे जाएगा फिर राइट पे आएगा, राइट से मीन पोजीशन पर जाएगा फिर लेफ्ट पे जाएगा। ओके, तो इसके अब ये देखो एग्जांपल्स, मोशन ऑफ अ सिंबल पेंडुलम स्विंग, नीडल ऑफ अ स्विमिंग मशीन, मोशन ऑफ अ पिस्टन ऑफ अ इंजन, ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हैं ऑस्किलेटरी मोशन के। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपने हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को शेयर कर दीजिए। बाय, अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।